सीरियल मनमोहिनी में राम और सिया अपने रिश्ते को आगे लेकर जाते हैं और मोहिनी इस वजह से आ जाएगी बड़ी मुसीबत में। शो मनमोहिनी शुरू हुआ है और शो में काफी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। शो में आपने देखा कि राम और सिया का करवा चौथ पर मिलन होता है और फाइनली मनमोहिनी का प्यार हार जाता है। जी हाँ, मनमोहिनी के प्यार की हार होती है क्योंकि सिया और राम करवा चौथ के दिन एक हो जाते हैं। राम के पास ऑप्शन होता है कि वो सिया को चूज करे या फिर मनमोहिनी को, लेकिन वो मोहिनी को चूज ना करके सिया को चूज करता है और सिया के साथ अपने सारे बैरियर्स को खत्म कर देता है। अब फाइनली सिया के प्यार की जीत हुई और राम और सिया दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो दोनों अपनी शादी को आगे लेवल पर लेकर जाते हैं। जी हाँ, राम और सिया दोनों अपने रिश्ते को एक लेवल पर आगे लेकर जाएंगे। मोहिनी पहले से ही सिया से बहुत गुस्से में थी क्योंकि सिया की वजह से राम उससे दूर हो गया है और वो अब उन दोनों को करीब आते देख कर गुस्से से लाल पीली हो रही है। वो शपथ लेगी कि वो सिया को जीतने नहीं देगी, वो राम और सिया को एक दूसरे से अलग करके रहेगी। मोहिनी ये सब होता देखकर सिया को जान से मारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकामयाब हो जाती है क्योंकि सिया के साथ राम का प्यार है और मनमोहिनी उसके प्यार को हरा नहीं पाई। मोहिनी को लेकिन इन सब के बाद ये पता चलता है कि वो सिया को नहीं मार सकती क्योंकि उसके पास राम के प्यार की ताकत है, वो राम से सिया को मरवा सकती है। सिया की लाइफ में नया धमाका आने वाला है और वो फिर से एक बार राम के लिए अपने प्यार को प्रूव करने के लिए आगे आएगी। वाले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस।